चुनावी मैदान में कौन उम्मीदवार किस पर भारी, कौन सा उम्मीदवार विकास कार्यों को लेकर है मैदान में, गांव की जनता किसके हाथों में सौंपेगी गांव की डोर, पंचायत चुनाव की हर खबर मेरे साथ देखिए गांव की सरकार न्यूज 30 एक्सप्रेस पर। नमस्कार दर्शकों, मैं नाजमा आप एक बार फिर आपके साथ स्वागत करती हूँ न्यूज 30 एक्सप्रेस में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो चुनाव चल रहे थे और उसका परिणाम अब आ चुका है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप के बीच में मामला फंसा हुआ है। वार्ड नंबर 2 साकिन से हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद है, आइए इनसे चुनावी चर्चा करते हैं, जानते क्या है इनकी समस्याएं। क्या नाम है आपका? मनीराम वर्मा। मनीराम जी, क्या आप किन समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, क्या आपको क्या बात है जो हमारी जनता से आप कहना चाहते हैं, बताइए। मैं मनीराम वर्मा जी, सांकर न्याय पंचायत 2 का प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी जी। बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी का भाई की ड्यूटी लगाई गई मतगणना पर, तो उसने जो है बहुत टाइम हमारे इधर के वोट उधर की उधर के उधर की, पर मैंने आरओ से शिकायत भी की, तो आरओ ने थोड़ा उसको बुलाया, कह दिया ना तो उस पर कोई डंट किया ना ये कि उसको हटा दिया जाए। तो उसने क्या किया था ऐसा? उसने ये किया कि वो उसकी ड्यूटी थी कि पेटी ला के लौट दे बस। अच्छा अच्छा, पेटी को मतदान पेटियों को सबके समक्ष लौट दे, देखो उसका भाई खड़ा था तो मत लौट के और वो खुद बनाने लगता था पर्चियां, और इधर नहीं पर्चियां इकट्ठी करता था, उसमें किसी नीचे हमारी मुश्किल ऊपर से अपने लगा दी, ये करता रहा था। हमने हमें पता पड़ा कि उसका भाई है, आर ओ से हमने शिकायत की जी। तो आर ओ ने अलंस किया, उसको बुलाया उससे कहा कि तुम नहीं जाओगे, केवल तुम अपना काम करो, मत पेटी लाओ और लौड़ो, लेकिन फिर भी वो करता रहा इस। तो उसने कहीं इससे कहा उससे कि ऐसे करो तुम, ऐसे करो तो मत करना, यानी इधर के वोट उधर के इधर ऐसा करता रहा। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से चुनाव में जो मतदान थे पेटियों की, दोबारा से गिनती लगाई गई कि नहीं लगाई गई? तो हमने जो है आरएम साहब को शिकायत की जी, आरएम साहब ने दोबारा किया कि हाँ जाइए मतगणना दोबारा कराइए, तो आरओ साहब आए जी, वहाँ से उन्होंने कहा क्या भाई क्या शिकायत है, हमने कहा साहब उसकी तीन गाँव की हमारी, पहले तो करो भाई पूरी नहीं, तीन गांव तो हमारे करवे करो, सांकल लोहारी शेरसा, तो उन्होंने कहा ठीक वैसा है बार लिख के तो कम करा लो यार, उसमें कड़ेगा तो देखाएंगे, तो उन्होंने हमें नहीं मानी, उन्होंने चार बूथ की 2 जगह कराई, इसके बाद बंद कर दी जी। तो हमने कहा हमारी तो पूरी मतगणना करो, हमने दोबारा फिर दिया उनको लेटर, फिर क्या परिणाम निकला? तो दोबारा उन्होंने कहा ठीक है, दोबारा करा दूसरी पार्टी में दिया कि हम नहीं करा रहे, दो चार जनों ने लिख के दिया, SDM साहब भी पहुँच गए कि हम नहीं करा रहे मतगणना, तो उनसे कहा कि क्यों नहीं करा, मतगणना तो होगी, वो तो होगी आपकी नाम गिनती। इस पर इसके बाद आरओ साहब ने घोषणा कर दी कि 5 मिनट 10 मिनट हैं आपको, जाओ चाय आए पी आओ, मतगणना शुरू हो रही है, पूरे बार दोबारा से मतगणना शुरू की जा रही है। हाँ, तो कहा उन्होंने, नहीं अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा हम दोबारा मतगणना करते हैं, हमने जो है 2 घंटे बैठे रहे जी। 2 घंटे के बाद बोले जाइए कल होगी, अब तो उनको हमने गुमराह करके भगा दिया। तो हमको यही है कि हमारी जो है मतगणना दोबारा होनी चाहिए, शासन के लोग तो कर रहे, लेकिन प्रशासन ऐसा है कि प्रशासन नहीं चाहता कि जो हो, ये हमारी धांधली करके वो हमको हराना चाहते हैं। अधिकारियों से आपने अभी बात की है क्या, उच्च अधिकारियों से संपर्क किया क्या? हाँ किया, हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन अब संपर्क चल रहा है, फिर भी जा रहे हैं वहाँ पे, अभी अब दोबारा से जाएंगे वहाँ पर जी सर। तो ऐसे ही और भी चुनावी चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे, चुनाव को ऐसे ही हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये जनता का चुनाव है और अगर जनता अपना सही प्रत्याशी चुनती है तो प्रशासन को चाहिए कि कड़ी से कड़ी निगरानी रखकर चुनाव की मतगणना में मतगणना पूरी तरह से सही और सही होना चाहिए, जिसमें एक भी वोट इधर को उधर ना हो, क्योंकि ये जनता के प्रत्याशी होते हैं, समाज का विकास करने के लिए प्रत्याशी चुने जाते हैं। और भी चुनावी चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 30 एक्सप्रेस।